दोस्तों आज तक हमने जंगली जानवरों को आपस में लड़ते हुए देखा है जो काफी खतरनाक और खूंखार तरीके से लड़ते हैं। लेकिन दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे पक्षियों के कुछ ऐसे खतरनाक भयानक और खतरनाक हमला जो आप देखने के बाद दंग रह जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर ईगल ने अपने से बड़े बड़े जानवरों को अपने नाखून के जरिए अपना शिकार बनाया है जो काफी खतरनाक और दिल दहला देने वाला मंजर है। दोस्तों ईगल अपने स्ट्रॉन्ग एनर्जी के चलते काफी ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी नीचे रह रहे अपने शिकार को ढूंढ लेता है और पलक झपकते ही उसके ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों आपको बता दें कि ईगल का शिकार करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। वो अपने पंजों के चलते किसी भी जानवर को उठाकर ऊपर ले जाता है और वहां से नीचे फेंक के उसका शिकार कर देता है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि पक्षियों ने कैसे अपने से बड़े और खतरनाक जानवरों को अपना शिकार बनाया। दोस्तों ईगल अपने खतरनाक और बेरहम हमले के लिए जाना जाता है। ईगल आसमान के बहुत ऊंचाई पर उड़ने के बावजूद भी वो वहां से अपने शार्प नजर के चलते किसी भी जानवर को, चाहे वो बकरी हो या सांप, उसे अपने टारगेट बनाकर अचानक उस पर हमला करके ऊपर उठाकर ले जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ईगल का पंजा इतना मजबूत होता है कि वो अगर किसी को एक बार अपने पंजे के चलते अगवा कर लेके और उठाकर ले जाता है तो उसके चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि ईगल के शिकार करने का तरीका सभी जानवरों से अलग होता है। वो अपने शिकार को अपने पंजों के बल पर ऊपर ले जाता है और काफी ऊंचाई के लेने के बाद वो वहां से सभी अगवा किए जानवरों को नीचे की तरफ फेंक देता है, जिसके चलते वो जानवर का मौत हो जाता है। दोस्तों सोचिए कोई जानवर को इतना ऊंचाई से गिरने के बाद उसका क्या असर होगा। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में पहले पहाड़ी के ऊपर कई सारे बकरी को दिखाया जाता है। दोस्तों वो सभी सारे बकरे के बच्चे उस पहाड़ के ऊपर अपने मौज मस्ती में व्यस्त थे और तभी वहां पर अचानक आसमान के ऊपर एक ईगल दिखाई देता है। दोस्तों वो ईगल इतनी ऊंचाई के ऊपर होने के बावजूद भी वो उसका नजर उस बकरे के बच्चे पर था, ताकि वो मौका देखकर वहां से एक बकरे के बच्चे को उठाकर ले जाकर अपना शिकार बना सके। और इसी फिराक में वो ईगल वहां पर अचानक आ जाता है और वहां से एक बकरी के बच्चे को उठाने के लिए अपना पूरी कोशिश लगा देता है। और जैसे ही मौका मिलता है वो वहां से एक बकरे के बच्चे को अपने पंजों के दम पर ऊपर ले जाता है और वो चील ऐसा करता है कि उस बकरी के बच्चे को उठाने के बाद उसे बहुत दूर ले जाता है। दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे अचानक इतने बड़े बकरे के बच्चे को इसने बड़ी आसानी से अपने पंजों के दम पर उठा कर ले गया और वो बकरी का बच्चा अपना जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन वो उसे उठा कर बहुत ही आराम से ले गया। ईगल वर्सेस टर्टल। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में एक कछुए को दिखाया जाता है जो समुद्र के किनारे अपने अंडे से बच्चे निकाल रहा था, और तभी वहां पर नीले आसमान के ऊपर एक ईगल को दिखाया जाता है जो अपने खाने की तलाश में इधर उधर अपना नजर फिरा कर रहा था। दोस्तों जैसे ही वो टर्टल्स अपने पूरे अंडे से सभी बच्चों को निकाल देता है, वो चील एक एक कछुए को बच्चे के लेकर वहां से ले जाता है और पहाड़ी के ऊपर आराम से बैठ कर उनको खाने लगता है, और वो कछुए को इसका कोई भनक तक नहीं लगता है। दोस्तों सोचिए कि कितना खौफनाक और बहुत ही खतरनाक माहौल होगा जो एक मादा कछुआ अपने बच्चे को दुनिया दिखाने के फिराक में है और यह ईगल उसी बच्चे को खाने में लगा हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि यह ईगल इस टर्टल्स के बच्चे को बहुत ही बेरहम तरीके से चीर फाड़ कर और नोच कर खा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि ईगल का अपना जो होंठ है वो इतना शार्प और खतरनाक होता है कि इसके आगे ब्लेड भी हार मान जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि ईगल इतना खतरनाक और शिकारी पक्षी है कि यह अपने से बड़े और बड़े जानवर को बहुत ही बेरहम तरीके से नोच कर खा लेता है। फाल्कन वर्सेस स्नेक। दोस्तों सांप इतना खतरनाक और जानलेवा जानवर है कि जो पल भर में किसी भी जानवर को धूल चटा सकता है। दोस्तों सांप की एक जहरीली डंक है।
ईगल वर्सेस एम्पाला। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में पहले एक एम्पाला के बच्चे को दिखाया जाता है जो झाड़ी में खाना खा रहा था, और तभी वहां पर आसमान से आकर एक ईगल उस पर हमला कर देता है। लेकिन दोस्तों तभी वो एम्पाला अपना जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन वो ईगल उसे ऐसे जकड़ लेता है कि वो आगे जाने में वो असफल हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो ईगल उस एम्पाला के बच्चे को पकड़ लेता है, उसे खाने के लिए वो अपने मुंह के बोल नोचना शुरू कर देता है। लेकिन पास में खड़े फॉरेस्ट गार्ड ने उस एम्पाला के बच्चे को उस ईगल के हमले से बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो ईगल बारीकी से उस एम्पाला के बच्चे के ऊपर हमला चालू करता रहता है। दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आपको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है हमारे चैनल जंगल निर्जा को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल सके। और हाँ, कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे देखना चाहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं एक और वीडियो में।